हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इस टाइप का इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं, इसकी कटिंग फिटिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, ए टू जेड फुल प्रोसेस आपको दिखलाएंगे बतलाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसके कनेक्शन और वायरिंग कैसे करते हैं, तो आप बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, गौर से देखिए सुनिए समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें बोर्ड लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें बोर्ड लगाना है उसको लेंगे। तो जैसे कि इस साइड हम बोर्ड को रखे हुए हैं और ये बोर्ड डबल डोर है, जैसे इसमें ढक्कन है, ऊपर सनमाइका लगाएंगे और ये खुलेगा बंद होगा, तो इसे डबल डोर कहते हैं। तो इस तरह से खुलेगा बंद होगा। अब इसे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसके ऊपर मार्किंग करना होगा और कटिंग करना होगा, होल करना होगा, जो पाइप है उसे ले जाने के लिए, यानी इसके अंदर पाइप चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस पर मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितना कितना दूरी पे और कितना हमें पाइप लेकर जाना है, उतना मार्किंग कर लेंगे और होल करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले ये ज़रूरी है। इसे मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, हम इस पर क्या करते हैं, त्रिशूल पंच से इस पर होल करेंगे। आप चाहें तो इसको कटिंग कर सकते हैं, जैसे ये बटाली है, एक आरी ब्लेड आपको लेना पड़ेगा और सबसे पहले कटिंग कर लेना होगा, उसके बाद इससे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे त्रिशूल पंच से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मशीन में इसे कसना होगा। तो इसके अंदर हम कस रहे हैं इसलिए क्योंकि जो हमारा मशीन है वो हैमर ड्रिल मशीन है। अगर आपका प्लेन ड्रिल मशीन होगा तो डायरेक्ट मशीन में ही ये आपको कसना होगा। तो अगर आपके पास हैमर ड्रिल मशीन है तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास ये हैमर ड्रिल मशीन है। अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर इस तरह से फंसा देंगे। अब ये लॉक हो गया। अब उसके बाद ये जो स्विच है इसमें रोटरी, इसको हम प्लेन साइड करेंगे। अभी हैमर पे है, ये प्लेन साइड हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम चलिए होल करते हैं यहाँ पे, जितना हमने मार्किंग किया है, जहाँ पे किया है वहाँ वहाँ पे इस तरह से ड्रिल कर देंगे, तो इस तरह से हमारा होल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा पूरा फिनिशिंग में हो गया। पाइप के साइज से हमने होल कर दिया और पाइप पूरा फ्रेश चला जाएगा। इसी तरह से चलिए हम क्या करते हैं, सबको होल कर देते हैं। वो थोड़ा साइड में ज़्यादा हो गया था, अब इस सबको थोड़ा इधर कर लेते हैं, हो जाता है थोड़ा बहुत बैलेंस इधर उधर। तो इस तरह से हो गया हमारा पूरा होल। अब एक होल हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करेंगे, वो भी इस साइड, इसलिए क्योंकि मेन जो लाइन का वायर है वो हम यहाँ से इन कर लेंगे। यहाँ पे कोई पाइप नहीं है, ये हमें लगाना है, मीटर के बाद वायर आएगा मेन, तो ये होल हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये भी होल हो गया हमारा मेन वायर के लिए। अब इसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके ऊपर जो सीट लगाना है वो लेंगे, यानी सनमाइका, ये सनमाइका हो गया। अब इसके ऊपर जो मटेरियल हमें लगाना है वो लेंगे, तो जैसे ये थ्री वे एमसीबी बॉक्स है पीवीसी का, तो दो लगेगा हमारा क्योंकि 6 MCB हमें लगाना है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे एक चेंज ओवर स्विच, ये हमारा चेंज ओवर स्विच हो गया, और इसमें एक हैंडल दिया गया रहता है, वो बहुत से में कसा हुआ नहीं आता है पहले से, तो आपको कस लेना है क्योंकि स्क्रू भी देता है, हैंडल भी देता है, तो इस तरह से हम कस लेंगे। तो इस तरह से कसने के बाद एक बार चेंज ओवर को इस तरह से देख लेंगे, चेंज करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारा हमें ख़राब न्यू में ही निकल जाता है। उसके बाद किट काट लेंगे, और ये किट काट 32 एम्पेयर का है, चेंज ओवर भी हमारा 32 एम्पेयर का है। यहाँ पे 4 किट काट फ्यूज हमारा लग रहा है जो चीनी मिट्टी का है। उसके बाद यहाँ पर 3 इंडिकेटर 3 कलर का लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्कर लेंगे और सबसे पहले सीट को थोड़ा सा आगे घसकाएंगे, और यहाँ पर जो बीट है डबल डोर ऊपर वाले ढक्कन का ना, उस बीट पर सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे, और इसके सामने एमसीबी बॉक्स या किट काट या पैनल इंडिकेटर हमारा नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मार्किंग करके ज़रूरी है इसके सामने कि कुछ नहीं लगे, नहीं तो पूरा लंबा होल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एमसीबी का ऊपर वाला जो बॉक्स है इसको इस तरह से खोल के हटा देंगे, ताकि मार्किंग हमें करना है, चीनी मिट्टी का भी ऊपर से हटा देंगे, चेंज ओवर का भी ऊपर वाला कवर हम हटा देंगे। उसके बाद चेंज ओवर में देखिए यहाँ पे भी वायर हम निकाल सकते हैं और नीचे से भी निकाल सकते हैं, तो हम नीचे से निकालते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसे इसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबको सीधा करेंगे जहाँ पर जिसको लगाना है, यानी सुंदर दिखे सीधा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद मार्कर लेंगे और मार्कर ले करके इस पर मार्किंग करेंगे, जहाँ पर
हमें स्क्रू कसना है, स्क्रू का मार्किंग कर लेंगे। जहाँ पे हमें वायर निकालना है वो वायर के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। किट काट में 3 होल होगा, एक बीच में स्क्रू और 2 आपका वायर, एक नीचे एक ऊपर से। उसके बाद क्या करेंगे, चेंज ओवर में मार्किंग कर लेंगे। चेंज ओवर में 4 स्क्रू का होगा और एक मोटा वाला होगा। उसके बाद इंडिकेटर का भी मार्किंग एक एक पॉइंट कर लेंगे ताकि हमारा दिखे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमें होल करना होगा, ड्रिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे से हम बोर्ड को हटा देंगे और नीचे एक लकड़ी का लगा देंगे, यानी पटरा एक होता है ना, उसे लगा देंगे। ज़रूरी है लगाना, नहीं तो क्या होगा, हम होल करेंगे तो हमारा सीट जो है सनमाइका है वो फट सकता है, ख़राब हो सकता है। तो एक लगा देंगे नीचे लकड़ी। उसके बाद हम यहाँ पे होल करेंगे सुम्मी से, जिसे पंच कहते हैं और हमारी क्षेत्रीय भाषा में इसे सुम्मी कहते हैं। आप चाहें तो ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। और इस पर इस तरह से फटाफट हम होल कर ले रहे हैं क्योंकि मुझे ईजी लग रहा है सुम्मी से ही, तो सुम्मी से इस तरह से होल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस होल को जितना चाहे उतना हम फैला सकते हैं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से, स्क्रू के हिसाब से, जितना मोटा आपका स्क्रू है उसके हिसाब से आप होल कर लीजिए। तो यहाँ पे सब जगह पे हमने होल कर दिया है। उसके बाद जहाँ पे हमें चेंज ओवर से वायर निकलना है, यहाँ पे इस बटाली से जो रुखानी है जिसे कचक भी कहा जाता है, इस तरह से फैला देंगे, वायर हमारा ज़्यादा है। उसके बाद क्या करेंगे, पैनल इंडिकेटर जहाँ पे लगाना है वहाँ पे भी हमें फैला देना है इस तरह से। इस तरह से फैलाने के बाद हम प्लायर लेंगे और इस तरह से कर देंगे ताकि हमारा राउंड हो जाए। अब इसके अंदर हमारा आ जाएगा पैनल इंडिकेटर। उसके बाद अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो इस तरह से इजीली आप होल कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा। देखिए इस तरह से होल हो गया, फिर दूसरा वाला भी हम होल कर लेंगे और इसमें भी आसानी से हमारा पैनल इंडिकेटर आ जाएगा क्योंकि उसी साइज का हम होल किए हुए हैं। तो ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास त्रिशूल, पंच और ड्रिल मशीन है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्क्रू है और ये मशीन स्क्रू कहा जाता है या MG स्क्रू इंग्लिश में कहा जाता है, नट बोल्ट है। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस लेते हैं। क्या करेंगे, पीछे से नट लगाएंगे और कस देंगे। तो इसी तरह से हमें क्या करना होगा, चारों को कस देना होगा। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेंगे, टाइट करेंगे। इस तरह से टाइट करने के बाद अगर पीछे का नट आपका लूज है यानी नाच रहा है तो पीछे से क्या करेंगे, प्लायर से पकड़ेंगे। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से आगे से इस तरह से पूरा टाइट करेंगे और इस तरह से पूरा का पूरा जितना हम लगाएंगे उस चीज़ को टाइट कर लेंगे, ज़रूरी है टाइट करना। उसके बाद हम यहाँ पे MCV बॉक्स का नीचे वाला जो है इसको हम लगाएंगे। इसमें भी 4 स्क्रू लगेगा, इसको भी हम पूरा टाइट कर देंगे स्क्रू लगा करके। तो यहाँ पे हम फटाफट इस चारों स्क्रू को इस तरह से कस देते हैं, फिर प्लायर से पकड़ के कस देते हैं और जहाँ पे नचेगा वहाँ पे कोई भी स्क्रू दोनों साइड से लगा के स्क्रू ड्राइवर से कस लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों हमने MCV बॉक्स का भी प्लेट कस दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे चेंज ओवर को भी सेम उसी तरह से कस लेंगे। तो चलिए हम चेंज ओवर को भी फटाफट यहाँ पे कस लेते हैं पूरा टाइट। इसमें भी 4 स्क्रू हमारा लगेगा और इसको भी कसने के बाद हम यहाँ पे इंडिकेटर लेंगे। इंडिकेटर सबसे पहले हम रेड इस साइड पे लगाएंगे, उसके बाद बीच में हम ग्रीन लगाएंगे। चलिए हम ग्रीन का इंडिकेटर लगाने के बाद येलो लगा देंगे। यहाँ पे तीनों हमारा इंडिकेटर हो गया। अब इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले हम बोर्ड लेंगे और बोर्ड पे रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम ड्रिल मशीन लेंगे और इसमें से ये जो बीट है इसे खोल के निकाल देंगे और पतला बीट हम लगा देंगे अपना 4 mm का और इसे क्या करेंगे, होल करके हम स्क्रू कस देंगे सबसे पहले ताकि हमारा बोर्ड हिले डुले नहीं। और इसका रीजन क्या है स्क्रू कसने का, ये भी हम आपको बतला देते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में एक बीट है ना, अगर पहले कनेक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें बोर्ड पे कसने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम स्क्रू को कसने के बाद हम आपको दिखा देते हैं प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम स्क्रू कस दिया। अब चलिए ड्रोर को खोलते हैं। अगर हम कनेक्शन करते तो क्या होता, हमारा वायर बीट से ऊपर हो जाता तो कनेक्शन वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर हमें खोलना पड़ता, इसलिए बीट के अब अंदर से वायर होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रख के काम करना होगा। उसके बाद 2 वायर हम लिए यहाँ पे 6 mm का और किट काट के ऊपर वाले हिस्से में लेके आए इस दोनों में। अब इस वायर को क्या करेंगे, हम छील लेंगे और इसमें कनेक्शन कर देंगे। वायर हम 6 mm का लिए हैं, अपने लोड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वायर का यूज कीजिएगा। और ये हमारा मेन पावर सप्लाई का वायर हुआ, यानी मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई का इनपुट। हम चाहें तो इसे जनरेटर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों को हम मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई का तरीके से यूज करें, यानी उसको मान के चल रहे हैं। दोनों वायर को हम कस लिए यहाँ पे किट काट में। उसके बाद ये दोनों जाएगा हमारा चेंज ओवर में। अब इसको मेजरमेंट करके कटिंग कर लेंगे, जितना लंबा हमारा लगेगा उतना हम कटिंग कर लेंगे और इस दोनों को क्या करेंगे, इस तरह से चेंज ओवर के अंदर डालेंगे और चेंज ओवर में लेके आएंगे।
उसके बाद इनपुट साइड इस साइड हम कर देते हैं इसका कनेक्शन। तो सबसे पहले छील लेंगे बराबर तरह से, उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब जैसे कि तीन पॉइंट है चेंज ओवर में, तो बीच वाला पॉइंट नहीं यूज करेंगे और दोनों साइड साइड का यूज करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रल हो गया, उसके बाद ये रेड वाला हमारा फेस वायर है, इस साइड हम क्या करेंगे फेस वायर का कनेक्शन कर लेंगे और पूरा टाइट करेंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं। और जो चेंज ओवर में बड़ा वायर है उसको फिर नीचे बोर्ड में खींच लेंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दो वायर और लेंगे और दोनों वायर को क्या करेंगे फिर जो दो किट काट है उसमें लगाएंगे। इस किट काट को हम यूज कर रहे हैं जनरेटर वाली सप्लाई में। उसके बाद कनेक्शन इस तरह से कर लेंगे प्रॉपर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस वायर को लेके जाएंगे चेंज ओवर में और दूसरे साइड इनपुट साइड हम कनेक्शन इसका कर लेंगे इस साइड सेम सामने सामने बीच वाला पॉइंट छोड़ के। उसके बाद क्या करेंगे, वायर को इधर खींच लेंगे जो लंबा है। उसके बाद फिर दो वायर लेंगे और इस दोनों वायर को चेंज ओवर में लेके जाएंगे और इस दोनों वायर को आउटपुट में कनेक्शन करेंगे ऊपर के साइड। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल का कर दिए यहाँ पे, क्योंकि इसी साइड इनपुट का भी न्यूट्रल हम कनेक्शन किए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फेस का कनेक्शन कर देंगे, तो यहाँ पे फेस का भी कनेक्शन कर दिया और थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए, पूरा वायर हमारा मजबूत होना चाहिए, यानी जो भी हम कसेंगे टाइट कसेंगे। उसके बाद जो लंबा रहेगा इस तरह से हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसका कनेक्शन, पहले प्रॉपर तरह से यहाँ पे समझ लीजिए। बीच से हमारा आउटपुट हो गया, सबसे पहले इसको हम हटाते हैं। इधर से हमारा मेन सप्लाई इनपुट हो गया न्यूट्रल फेस, उसके बाद ये हमारा लोड हो गया न्यूट्रल फेस, उसके बाद इस साइड से आपको दिख रहा है ये हमारा जनरेटर का इनपुट हो गया न्यूट्रल फेस। उसके बाद अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे इसका कवर लेंगे और बंद कर देंगे, क्योंकि ये फाइनल हो गया इसका कनेक्शन और इसमें हमें कुछ करना नहीं है। और स्क्रू को हम कस लेंगे यहाँ पे, जो चार स्क्रू है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वायर को हम इतना लंबा कटिंग करेंगे, क्योंकि इसे तो हमें MCV बॉक्स में कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना लंबा कटिंग कर लेते हैं, इतना वायर में हमारा हो जाएगा, क्योंकि एक MCV बॉक्स में लूप हो जाएगा दो वायर और एक न्यूट्रल का लूप हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वायर हम लेते हैं, सबसे पहले रेड कलर का और इंडिकेटर में कसते हैं। और ये 1 mm का वायर है, ज़्यादा मोटा वायर की ज़रूरत नहीं है, इससे भी पतला चाहे तो यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर में कसने के बाद क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये किट कट हम सप्लाई में यूज कर रहे थे ना, मेन सप्लाई में, तो मेन सप्लाई का दोनों वायर लेंगे उसी किट कट का और छील करके उसमें कनेक्शन कर देंगे रेड वाले इंडिकेटर का वायर न्यूट्रल फेस दोनों में। जब हमारा मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट का आएगा तो उस टाइम पे हमारा रेड वाला इंडिकेटर जलेगा। और ज्वाइंट करने के बाद इसके ऊपर हम टेप भी लगा देंगे। तो चलिए न्यूट्रल को कर दिया, फेस भी कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे टेप प्रॉपर तरह से लगा देंगे, टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर दो येल्लो वायर लेंगे और येल्लो वाले इंडिकेटर में कस देंगे। ये भी 1 mm का वायर है और इसको भी कटिंग करेंगे और इसे हम जनरेटर के पावर सप्लाई वाले किट काट, ये जैसे किट काट है इसमें जो दो वायर है उसको लेंगे और उस दोनों वायर को छीलेंगे और उसमें अच्छी तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा जनरेटर का हो गया। उसके बाद दो ग्रीन कलर का लेंगे और ग्रीन वाले इंडिकेटर में वायर को कनेक्शन कर देंगे, यानी ग्रीन कलर का वायर लेकर के। हमारे पास कलर अवेलेबल है तो कलर हम यूज कर रहे हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 6 MCV लेते हैं और 6 का 6 MCV यहाँ पे ले लेंगे और ये 2016 का है और इसमें लोड ऊपर से है और लाइन नीचे से है। तो 6 MCV को सबसे पहले इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद तीन इसमें लगाना है। सबसे पहले है यहाँ पे हम 2.5 mm का वायर लेंगे और इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कटिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वायर को इस तरह से छीलेंगे और लूप पहले बनाएंगे, क्योंकि हमें लूपिंग करना होगा यहाँ पे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि दोनों साइड से एक एक वायर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, हम पहले सबसे पहले यहाँ पे कस लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तीनों आपस में लूप हो गया, प्लस दो वायर भी निकल गया इनपुट के लिए। इस तरह से हम निकाल लिए यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे MCV बॉक्स में। इस तरह से सबसे पहले दोनों वायर को ले लेंगे और इसमें हमारा फेज इनपुट होगा और फेज ही आउटपुट होगा और इसको लॉक कर देंगे। जैसे ये लॉक करने का पिन दिया गया रहता है, इससे लॉक कर देंगे। उसी तरह से सेम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी 3 MCV का 2.5 mm का वायर लेते हैं और एक लूप बनाते हैं। इस तरह से कनेक्शन कर देंगे और कनेक्शन करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो चार वायर हो गया MCV बॉक्स से निकले हुए, तो यहाँ पे वायर को छीलेंगे।
तो यहाँ पे दो वायर हम छील दिए। अब चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इस तरह से करते हैं और दो वायर और जो है उसको भी छील लेते हैं आराम से प्रॉपर तरह से। छीलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो चेंज ओवर से आउट कर रहा है न्यूट्रल फेस, फेस वायर को लेंगे, छील लेंगे और यहाँ पर एक साथ चार वायर MCB में जो जा रहा है वो, और एक आपका चेंज ओवर का, और एक वायर जो ग्रीन इंडिकेटर का है, क्योंकि ग्रीन इंडिकेटर जलेगा आउटपुट पे, यानी चेंज ओवर जब आउटपुट कर जाएगा उस टाइम पे। अब ये छः वायर को आपस में अच्छी तरह से ज्वाइंट करेंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर तरह से होना चाहिए, अगर लूज रहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए ज़रूरी है पूरा तरह से टाइट। टाइट करने के बाद, ज्वाइंट करने के बाद टेप लगा देंगे अच्छी तरह से इसके ऊपर। ये हो गया हमारा फेस का, तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको ले कर चलना होगा जहाँ पर हमें लगाना है वहाँ पर, और वहाँ पर इसका और कनेक्शन करना होगा जो MCB से आउटपुट हो रहा है या किटकैट का इनपुट हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं जहाँ पे हमें लगाना है इस बोर्ड को। तो जैसे यहाँ पे हमें लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से पाइप में वायर को डाल देंगे, पाइप से जो वायर आया है, होल जो दिख रहा है बोर्ड में किए हुए हैं, इस तरह से डालने के बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड को सबसे पहले फिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टील कील, जो चाइनीज कील कहा जाता है, उसे यहाँ पे ठोक करके मजबूत कर दे रहे हैं। आप चाहें तो ग्रिप स्क्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चाइनीज कील ही लगा रहे हैं प्रॉपर तरह से। इस तरह से जितना आपको ज़रूरत समझ में आता है उस तरह से आप लगा दीजिए 5-6। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले जितना इन्वर्टर का वायर है, जितना इन्वर्टर का वायर है आपस में ज्वाइंट करना है, टेप लगा देना है अच्छी तरह से, एक भी वायर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेन बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं होता है। अगर कोई MCB में डिमांड है तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं होता है। और ज्वाइंट मारने के बाद हमने एक पाइप में डाल दिया, उसी तरह से हम क्या करेंगे, जितना बड़ी अर्थ का वायर है उसको भी आपस में एक जगह पे कनेक्ट करेंगे और ज्वाइंट करेंगे अच्छी तरह से, टोटल बड़ी अर्थ का वायर, और दूसरे कंड्यूट में इस तरह से हम डाल देंगे। ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वायर न्यूट्रल फेस अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर लेते हैं और यहाँ पे ब्लू कलर का हमारा है जो सर्किट गया हुआ है, उसका न्यूट्रल ब्लू कलर है, तो सबको छीलेंगे। उसके बाद चेंज ओवर से जो न्यूट्रल वाला वायर था आउट हुआ, उस न्यूट्रल वाले वायर को और इंडिकेटर का ग्रीन वाला, ग्रीन इंडिकेटर का जो दूसरा वायर था उसको लेंगे, आपस में ज्वाइंट करेंगे अच्छी तरह से और टेप लगा देंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल येलो कलर का जो वायर है सर्किट का हमारा, ये फेस सर्किट है, यानी सर्किट में एक न्यूट्रल एक फेस होता है, तो ये फेस वाला है, ये MCB के थ्रू जाएगा। तो इस तरह से हम MCB में सबसे पहले इधर नीचे से इस तरह से पार कर देंगे और ऊपर MCB से हम क्या करेंगे, कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए इस तरह से हिला दिए। अब ऊपर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे फटाफट MCB में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा 6 सर्किट है और 6 का 6 हमारा 2.5 mm है और सब का सब 16 यानी 16 का MCB लगा हुआ है, और सब में इस तरह से फटाफट कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे प्रॉपर तरह से किसी भी तरह का लूजिंग नहीं होना चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिकल काम में। यहाँ पे हम कनेक्शन कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, MCB को सबसे पहले इस तरह से, एक साइड 3 है ना, इसको इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर से कवर इसका लगाएंगे और कवर में जो स्क्रू था 2 उसको कस देंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया और MCB का कनेक्शन फाइनल हो गया। उसी तरह से दूसरा वाला तो कनेक्शन फाइनल है, वायर को हम अंदर डालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बॉक्स लगाएंगे और बॉक्स लगा के अच्छी तरह से स्क्रू को टाइट कर देंगे। इस तरह से हमारा कनेक्शन हो गया, जो भी सर्किट था हमारे घर में, जो भी वायरिंग हम किए थे रूम का या हॉल का, जो पावर प्लग का, मोटर का, वो सब हो गया यहाँ पे फाइनल। उसके बाद हम यहाँ पे 2 फिर 6 mm का वायर लेते हैं और उधर से पार किए जिधर हमने होल किया था मेन के इनपुट करने के लिए, और किट कट में लेके जाते हैं। जो हमारा किट कट है, किट कट में इनपुट देंगे तब तो किट कट आउटपुट करेगा आपको चेंज ओवर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन पावर सप्लाई का वायर के लिए हमने 6 mm का वायर धो लिया और इसको क्या करेंगे, किट कट में कस देंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले बराबर तरह से पूरा, किसी भी तरह का लूजिंग नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर लूज रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो ज़रूरी है आपको पूरा तरह से टाइट करना। ये हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, इस वायर को आपको मेजरमेंट कर लेना होगा। मेरा मीटर यहाँ पे लगने वाला है तो यह इतना बड़ा क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 वायर यही 6 mm का लेते हैं और इसको लेके चलते हैं जनरेटर वाले किट कट में, और इसे किट कट में हम कनेक्शन कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, इस 2 वायर से हमारा आ जाएगा मेन जनरेटर का जो पावर सप्लाई है वो आएगा, मेन गवर्नमेंट का नहीं, मेन सिर्फ जनरेटर पावर सप्लाई का, और किट कट में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और जो वायर थोड़ा बड़ा रहेगा उसको फिर नीचे खींच लेंगे ताकि थोड़ा सुंदर दिखे,
अब यहाँ पे तो हमारा कनेक्शन हो गया फाइनल। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसके अंदर कीट काट लगाना होगा, जो ऊपर का फ्यूज है उसमें वायर बांध के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 mm का वायर लिए हैं, इसमें से 5 वायर को बांध देते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो और थोड़ा ज़्यादा बांध दीजिए, अगर कम है तो थोड़ा कम पतला बांध दीजिए। तो अपने लोड के हिसाब से आपको बांध लेना होता है। और मेरा 5 है तो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि हमारा 4 kW 3 kW का लोड बराबर चलेगा, और शॉर्ट सर्किट हो तो वो तो उड़ ही जाना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से एक बांधे, इसी तरह से 3 और बांध लिए हैं यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, चलिए हम लगा देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने चारों कीट काट को भी इस तरह से लगा दिया यहाँ पे। इस बोर्ड के अंदर हमारा टोटल कनेक्शन हो गया A to Z। अब क्या करना होगा, ये जो मेन वायर है यहाँ पे सबसे पहले एक होल कर लेंगे, क्योंकि इधर से हमारा मेन पावर सप्लाई इनपुट होगा, जनरेटर का भी और गवर्नमेंट का भी। अब इस मेन वायर को हम पाइप लगा देते हैं, क्योंकि पाइप के थ्रू ले जाएंगे तो थोड़ा सुंदर दिखेगा, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम पाइप लगा दिए, उसके बाद क्लिप लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जनरेटर का वायर हम पार कर देंगे, ये हमारा चला गया। अब इसको जनरेटर में कनेक्शन कर सकते हैं। और ये हमारा है मीटर का वायर, यानी मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई का वायर, और मीटर हमें नहीं लगाना है, क्योंकि मीटर लगाने का काम जो बिजली विभाग के टेक्नीशियन यानी इलेक्ट्रीशियन होते हैं वही लगाते हैं, वो सील भी करते हैं और कनेक्शन भी करते हैं और पोल से वायर भी खींचते हैं। तो ये कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये तो एक दिन बाद यहाँ पे देखेंगे, तो हमने आया तो मीटर वो लगा के चले गए थे, और यहाँ पर ये काम भी कर रहा है। और यहाँ देखेंगे तो हमारा इंडिकेटर भी रेड वाला जल रहा है, पर हमने लाइन चालू नहीं किया था और उनको बोले भी थे चालू मत कीजिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, लाइन चालू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चेंज ओवर को हम क्या करेंगे, इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे तो हमारा इस साइड से पावर सप्लाई आउट होगा। तो यहाँ पर इंडिकेटर भी हमारा ग्रीन वाला जल गया। अब क्या करेंगे, MCB को हम यहाँ पर उठा देंगे। चलिए हम MCB को एक एक करके यहाँ पर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑन किए, किसी तरह का कोई शॉर्ट नहीं हुआ, यानी हमारा परफेक्ट है सर्किट, और वायरिंग भी हमारा सही है और मेन बोर्ड भी सही है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बल्ब भी जल रहा है, और बोर्ड में देखेंगे इंडिकेटर भी जल रहा है, यानी हमारा प्रॉपर ये काम कर रहा है। उसके बाद इधर देखेंगे पावर प्लग है, तो ये भी हमारा काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक मोटर का बोर्ड है, ये भी इसके अंदर भी लाइन आ गया है। उसके बाद इधर एक रूम में बोर्ड है, तो यहाँ पर स्विच सब ऑफ है। चलिए हम इसको ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं बल्ब वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बल्ब भी जल रहा है, फैन भी चल रहा है, यानी सब हमारा सही है और हमारा मेन बोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है। अगर इस बोर्ड के कनेक्शन की डायग्राम की बात करें तो ये है, आप इसे देख करके अच्छी तरह से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कभी भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और भी डिटेल में समझने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जा करके इसकी डायग्राम को समझ सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस तरह का इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इलेक्ट्रिकल टॉपिक पे। इस वीडियो में इतना ही।